ललितपुर में दबंगों ने शिक्षिका को स्कूल में घुसकर बेरहमी से मारपीट कर फरार हो गए। एसपी ने मामले का संज्ञान लेकर आरोपियों पर मामला दर्ज कराया। पूरा मामला थाना पाली क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां जमीनी विवाद के चलते जिला बदर एक बदमाश ने अपने कुछ साथियों के साथ में घुसकर शिक्षिका को लातों घूसों से बुरी तरह पीटा और उसके कपड़े भी काट दिए। शिक्षिका को दबंगों द्वारा पीटता देख छात्र छात्राएं उग्र हो गए और दबंगों को खदेड़ दिया, लेकिन इस घटना में शिक्षिका को गंभीर चोटें आईं। पीड़िता का आरोप है कि उसने एक जमीन खरीदी थी, जिसको लेकर स्थानीय एक जिला बदर दबंग व्यक्ति कुंडली दिखाकर अवैध रुपयों की मांग कर रहा है, लेकिन आज से उसने भय व्याप्त करने के उद्देश्य से स्कूल में घुसकर उसके साथ मारपीट की और उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर अन्य की तलाश कर रही है। स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल पाली, 2-3 लोग आए और यहाँ पे वो हम लोग प्रेयर करा रहे थे। जब तक हम लोग कुछ समझ पाते या फिर हम लोग बाहर आ पाते, बचाने के लिए उनको बाहर आ पाते, तब तक उन लोगों ने हमारी बड़ी मिस के लिए बहुत मारा। इतना मारा कि उनके कपड़े भी फट गए और उनको मतलब कि उनको स्टॉल तक उड़ाने का टाइम नहीं मिल पाया हम लोगों के लिए। और जब वो वहाँ से छूट के वापस आई तो वो जो पीछे से एक और लड़का आया और फिर से उसने इतने तेज धक्का मारा कि वो उनका सर जाके वैन रखी हुई थी गाड़ी में उसमें लग गया और उन्हें बहुत तेज चोट आई। सर, पाली थाने के अंतर्गत एक स्कूली शिक्षिका के साथ मारपीट की गई, स्कूल के अंदर क्या है सर पूरा मामला, क्या कार्रवाई की गई? ये प्रकरण जैसे ही संज्ञान में आया है कि शिक्षिका के साथ उसी के गांव के कुछ लोगों ने मारपीट करी है, तत्काल FIR दर्ज करा दी गई है। एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी कर लिया हम लोगों ने, शेष जो अन्य भी इसमें होंगे उनकी गिरफ्तारी करके हम लोग वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इस तरह की किसी को भी निरंकुशता करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और कठोर वैधानिक कार्रवाई करेंगे इसमें। यस, हम लोग यहाँ से प्रेयर करके भागे भी और उन्हें पैरों से मार रहे थे, उनके बाल फटाए और कपड़े भी फाड़ दिए और हम लोग फिर उन्हें बचाने के लिए दौड़े, वो भाग गए और फिर पुलिस के लिए फोन लगवाया।